जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे हम लोगों को मिल चुका होगा ऑलरेडी आईपीएल 2022 का चैंपियन। सीधी सी बात है, राजस्थान या गुजरात में से कोई जीता होगा, बट हमारे प्रेडिक्शन का भी कुछ हाल है, हमारे प्रेडिक्शन का भी चैंपियन बनने वाले हैं। हम लोग एक बात कर रहे हैं, अगर कह दो अल्टरनेट यूनिवर्स में चल रहा है हमारा गेम प्ले, जहाँ पर कोलकाता और दिल्ली बाकी की 8 टीमों को हराकर फाइनल में पहुँचे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर ही चल रहा है ये मैच और देखना है कि कौन यहाँ पर चैंपियन बनता है। टेल्स का कॉल आता हुआ दिल्ली का, बनते हुए हम लोग दिल्ली टीम सिलेक्शन एक बार फिर हमारे पुराने रूल के हिसाब से है, जो लोग डेली वीडियोस देखते हैं उनको पता है। हारते हुए हम लोग टॉस, कोलकाता ने जीता है यहाँ पर टॉस और डिसीजन लिया है पहली बॉलिंग का, हमारी बैटिंग और रन डिफेंड आया है यहाँ पर फाइनल में। ये फाइनल एंट्री आईपीएल 2022 का सीरीज का ये लास्ट है भाई, एंट्री पड़ता हुआ आप लोगों से लास्ट टाइम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई 1500 लाइक्स, क्या इस वीडियो पे 1500 लाइक हो सकते हैं? अगर कर सकते हैं भाई तो आप सपोर्ट कर दें लाइक के थ्रू। बाकी लेट्स सी कौन यहाँ पर कप उठाता है। टिम साउथी गेंदबाजी में गैप बनाते हुए, बड़ा सा गैप था पॉइंट कवर पे, एकदम बड़ा सा मुंह खोल के जैसे पकौड़ी खाते हैं ना, वैसे इतना बड़ा गैप था और चौका लगा दिया है। स्कोर कार्ड की बात करें तो रन तो कम लग रहे हैं, या तो कम नहीं तो चलो ठीक है, रन विकेट 3 है वो भी ठीक है, सब कुछ एवरेज पे रुका है। 121 पे 3 ललित और ऋषभ खेलते हुए, फिर भी टीम साउथी आए अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं, यॉर्कर रख दिया है। मैं पूरी तरह से मूड बना के आया था बाउंसर का और गैप में क्विक चार्ज आता हुआ अब एजिस के कारण, लेकिन शॉट हमारा परफेक्ट तो नहीं था, पॉइंट पर टारगेट था, 6 के लिए लॉपरेट खेल रहे थे, ग्राउंड शॉट बनाया एजिस के कारण। कुछ खास दिन रहा नहीं है जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसे अच्छे दिन जाते भी नहीं है। वाइट बॉल अगर देते हैं तो ठीक है, यॉर्कर लेंथ कर रहे हैं अभी नहीं तो अगली गेंद पे पिट जाएंगे। वाइट बॉल मिला है, 3 गेंदों में 9 रन है, खराब नहीं है, बट एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि भाई हमारे परफेक्ट बल्ले से एक भी शॉट नहीं आए हैं, बड़े 2-4 में से 5 में से कह सकता हूँ मैं कि 4 यॉर्कर्स थी, फाइनली हमने वो हिट किया है 6 जिसकी तलाश कर रहे थे। बहुत दूर डाल रहे हैं गेंद, ये दिक्कत है, फ्रंट फुट जा ही नहीं पा रहा, बैट का फेस ओपन रह जा रहा है या इनसाइड रह जा रहा है, एजिस बन जा रही थी। फाइनली यहाँ पर बॉटम से ही सही, फ्लैट ही सही, बट 6 लगाते ओवर पूरी तरह से यहाँ पर दिल्ली के नाम बाउंड्री रोप्स के बहुत करीब गिरी थी गेंद, फिर भी 103 मीटर लंबा छक्का, जस्ट इमेजिन ऑलमोस्ट कितना बड़ा ग्राउंड होगा ये। 4 मिलता हुआ लास्ट बॉल पर, पूरी तरह से डोमिनेट किया यहाँ पर हमारे गेंदबाजों ने, मैंने पहले ही कहा था यॉर्कर्स बहुत डाल रहे हैं साउथ टीम, अभी नहीं तो अगली गेंद पे पिट जाएंगे। पंत और यॉर्कर, बस फर्क ये कि इस बार तेज गेंदबाज है, 148 का पेस रसल का, बीट हो गया यार, 6 जाना चाहिए था। ललित बैकफुट, शानदार कट, 4 निकलता हुआ गली में से, बहुत ही बढ़िया। अरे यार लेग साइड खेलना चाहिए था, बाउंसर डाल दी, मुझे लगा आएगी एंगल में, लास्ट टाइम जैसा आई थी पिछली गेंद पे कट बनेगा, बट बॉडी की तरफ आ गई, डॉट, 1 रन आया बाय का, साइड चेंज नहीं कर रहे, कट बनाया फिर से, इस बार स्क्वायर कट, 4 पंत के बल्ले से, होल्ड करा रहा हूँ मैं 1 रन पे, एंजॉय करेंगे बाउंड्री। तेज गेंदबाजों के 2 ओवर दोनों पिट गए थे, स्पिनर को लाया है, डॉट से शुरुआत की है, उल्टे होने की उम्मीद थी इससे, 4 या 6 लग रहा था, चेंज ऑन द पेपर, अब ये अच्छा डिसीजन लग रहा है, बट उसे हमने स्लिप में से खेल दिया है। 4 के लिए बढ़ता हुआ गेंद, गति खोया है, खो रहा है, बट नहीं अपार लगेगी बाउंड्री। दलित यादव यहाँ पे, एजेस कीपर पहले ही पोजीशन में आ गए, अर्ली प्रेडिक्शन कर लिया था, 2 निकाल रहे हैं हम लोग, बहुत ही क्लोज रनिंग, बट कंप्लीटेड 2 रन। एक और ओवर, निराशाजनक एंड की तरफ बढ़ता हुआ, इस बार बीट करा दिया है कीपर को, काफी ऊंची निकली है गेंद, 4 तो नहीं पर 2 देगी, तो अभी हो क्या रहा है, एक चौका जा रहा है एक एजिस लग रही है। रसल एक बार फिर पीट दिया है गेंद को, पुल शॉट के साथ लॉपटेड शॉट, रनिंग की परीक्षा होगी पंत के, सेफली 2। चीन नोटिस करने लगे हैं दोनों खिलाड़ी, ऑलमोस्ट सेम खेल रहे हैं, 24 में 46 यहाँ पर अब थोड़ा सा हाल बदला है, पॉइंट खाली, दिन बिना देखे गेंदबाजी कर रहे हैं, अबे बिना देखे गेंदबाजी करोगे तो यही होगा, गर्दन कहाँ यूं 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 कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं गर्दन वाली एक्सरसाइज, बैटिंग का प्रिपरेशन अभी से ही, और 50 एंजॉय करेंगे हम लोग ललित यादव के, अभी पंत भी आ रहे हैं, 2 रन दूर है उनका भी 50, फिर बिना देखे। अरे यार पेस ने हैरान किया यार, ये बग भी अजीब है, कभी आता है कभी नहीं आता, ये बिना देखे गेंदबाजी कर रहे हैं, बैटिंग वाला तो देखा हुआ है मैंने आज, गेंदबाजी भी बिना देखे, फिर बिना देखे, अबे तेरी मेरा ध्यान हटा दे रहा है यार, ये बग अजीब सा है,
दो रन लेना ही लेना है चाहे कुछ भी हो, बट आई थिंक इस बार रनआउट के सबसे ज्यादा करीब है। ये दिखा रहा है गेम कितना स्लो है, 50 पूरा किया है, ऑलमोस्ट डाउन हो गया था, लग नहीं रहा था हो पाएगा। देखा जाए तो हर ओवर हमने 12, 15, 17 लिया है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सब खेलने के बावजूद भी हमारा रन रेट 10 क्रॉस नहीं किया है। सिंगल से खाता खुला है इस लास्ट ओवर का, 60+ रन हमसे। भैया ये बाउंसर कहाँ से डालने लगे यार, फिर उछल गई अगेन, कैरी का मौका। और ए, ये क्या नो बॉल है क्या? अच्छा ग्लव्स पे नहीं लगी, ब्लैक बाय है। सीधी सी बात है, कुछ अलग खेलना होगा, स्टांस बदल दिया है। फिजिक्स का लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया है, हो सकता है बॉडी पे लगी हो, बट अजीब सा गेंद वहीं के वहीं रुक गया। जबरदस्ती खेलना बेकार साबित हुआ है। स्लिप पे जा रहे हैं, डॉट जा रहा है, रन आउट हो रहे हैं, डॉट, सबसे बड़ी बात तो डॉट जा रही है लास्ट ओवर्स में गेंद। सुनील नारायण जो कि स्पिनर हैं, जो लग रहा था कि ओवर पिटाएंगे मैच में, कोलकाता को पीछे करेंगे, एक्चुअली मैच में वापसी करा दी। यही एक ओवर है जो आई थिंक सबसे बेस्ट रहा है, और बच्चे कुछ उम्मीद है। अब दो गेंदों पर हैं, अब दो सिक्स मारें तो कुछ बात बने। दूसरा मौका मिला है ओवर खेलने का पंत को, लॉफ्टेड खेल दिया है, फील्डर नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, गेंद बाउंड्री के पार, चलो 6 रन कैच किया है, बट जाते जाते कैच करते करते खुद भी बाउंड्री के पार चले गए फील्डर। ओवर का एंड हुआ है, मैच का पहली इनिंग का एंड हुआ है। आई थिंक दिल्ली खुश नहीं है, 200 क्रॉस नहीं कर पाए हम लोग, 195 का चेज। अब किस्मत थोड़ा सा साथ दे रहे हैं, एटलीस्ट 130 के अंदर भी रोक लेता है तो मेरे ख्याल से कुछ चांसेस रहेंगे। बाकी 140-150 मारा तो 30 गेंदों में सामने वाली टीम के लिए 60 भी आसान होता है, क्योंकि बॉलिंग इतना कुछ खास है नहीं इस गेम में लॉजिक के हिसाब से। पंत और ललित ने काफ़ी बढ़िया बैटिंग की, बट स्कोर फिर भी 200 क्रॉस नहीं कर पाया। फाइनल मोमेंट आ रहा है यहाँ पर, विनर मिलने से हम लोग सिर्फ 20 ओवर, और हमारे गेम प्ले में 5 ओवर हैं अवे। वेंकटेश अय्यर साथ में यहाँ पर सामने आ रहे हैं गेंदबाजी करने, शार्दुल ठाकुर पहला शॉट किया, एजिस, अरे यार 4, सबसे बुरी बात तो ये है एक समय मुझे लगा शायद विकेट ही नहीं खोएंगे 15 ओवर तक, 189 की पार्टनरशिप बनाई थी, 10 ओवर के बाद ही विकेट खोए हैं। राणा और अय्यर खेल रहे हैं 14 में 25 और 4 में 8, 133 पर 2 रन। फील्डिंग पे ही सब कुछ डिपेंड है। शार्दुल ठाकुर की गेंद यहाँ पर भी आती हुई, स्ट्रेट नहीं यार, स्ट्रेट ही तो सबसे बड़ा गैप है हमारा। हाँ मैंने आज पॉइंट पहले से सेट रखा है, मैंने आज पहले से फाइन लेग सेट, स्क्वायर फाइन डीप कह सकते हो आप, रखा हुआ है। मैं जनरली नहीं रखता ये दो पोजीशंस। ऑफ साइड पे गुड लेंथ भी आएंगी, ऑफ साइड पे शॉर्ट पिच भी ट्राई करेंगे एक बार, ये गैप बनाते हो, मैदान बड़ा है, मैदान बड़ा है, शाबाश। 2 रन अभी भी रिक्वायरमेंट है 12, बट इस तरह से फील्डिंग करोगे जहाँ 3 दे रहे हो आप, बंटा धार होगा शायद। 4 के लिए भी निकाला था बल्ला दौड़ने के लिए, पर दौड़े नहीं। क्वाड रन चेज हो रहा है यहाँ पर, तो भाई ये एक एक रन मायने रखेंगे, कट करते हुए 4 निकालते हुए यार, पैसे बर्बाद। ठाकुर जी आई थिंक स्पिनर्स पे जाना पड़ेगा हमें, कितना बढ़िया कट शेष अय्यर का। मेरा टारगेट सिंपल है, 12 के ऊपर फिर से लाओ रन रेट, आपने गंवा दिया है रन रेट। चलो 1 रन है, रन आउट तो होंगे नहीं। ओवर थ्रो, बाप रे बाप, अबे यार क्या नौटंकी चल रही है भाई इस गेम में। लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था, मतलब हम बैटिंग कर रहे थे तब ओवर थ्रोज हुए थे, बट फाइनल मोमेंट पे कितना बढ़िया सीन। पहली गेंद तो इन्होंने अच्छी डाली थी शार्दुल ने, जिस पर 1 रन आ रहा था, लग रहा था ठीक है, बट उसको भी बंटा धार कर दिया है महान फील्डर ने, नाम देखना रह गया, बट जो भी थे महान थे। ललित यादव पिछला ओवर 19 रनों का रहा था शार्दुल का, स्पिनर ने बीट से शुरुआत कराई। याद रखना है कि सुनील नारायण ने भी तगड़ा ओवर डाला था एज ए स्पिनर, एजिस नहीं यार, हमारा थर्डमैन नहीं है, बच गए, संभाल के भाई, स्लिप नहीं है, थर्डमैन भी नहीं है। ओवर इतना डैमेज हुआ है ना, बहुत अच्छे नीतीश राणा, ज़्यादा पैर बाहर निकाल के खेल नहीं रहे, फ्रंट फुट पे कंट्रोल रख रहे हैं, अब मजा आएगा। श्रेयस अय्यर को रोको, ये मुंह पे मारा, विकेट, हेलमेट पे लग के, हाथों में गेंद, द विकेट ऑफ द सीजन, कप्तान श्रेयस अय्यर कितने बैड लग, मुंह से आ निकल गई होगी यहाँ पर, बहुत ही गंदा बैड लक, दिल स्कूप के चक्कर में आउट हुए भाई। मैं पागल हूँ क्या जो रिप्ले नहीं दिखाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, तगड़ा रिप्ले आया है यहाँ पे। कहाँ गई नजरें, पर कप्तान पंत की नजरें देखिए, टटाक से पकड़ा है गेंद और फटाक से बाहर गया यहाँ पे शेष अय्यर को।
लास्ट गेंद जो कि हर बार की तरह सबसे फिर यही शॉट, प्लीज पकड़ लो पंत। अरे वाह, लाइफ साइड है बॉस, लाइफ साइड है बॉस। सैम बिलिंग्स गोल्डन डक। ललित यादव के अभी दो ओवर्स बाकी हैं, डेफिनेटली कंटेंडर है यहाँ पर कि शायद लास्ट ओवर भी दिया जाए इनसे। आउट तो है भाई, इसमें कोई शक नहीं। फिर दिस को भारी पड़ता हुआ कोलकाता अननेसेसरी के शॉट्स ले रहा है। अब अगला ओवर कौन, ये एक दुविधा है क्योंकि कुलदीप यादव के ओवर समाप्त हो चुके हैं। नौचिया एक ऑप्शन है मेरे पास, देखो किसको दिया जाता है वो। सॉरी कुलदीप यादव का ओवर बाकी था एक्चुअली, वो ऑप्शन में नहीं दिखा रहे थे, बहुत नीचे छठे सातवें नंबर पे नाम है। पर पहला शॉट कैरी होगा पक्का। उछे रन, राणा यहाँ पर एडवांस करते हुए शॉट, फील्डर के हाथों में होता अगर फील्डर उस लाइन में होते शॉट के, मैं इजीली कैच कह रहा था क्योंकि ग्राउंड बड़ा था, फ्लैट शॉट था, फील्डर लग रहा था आ जाएगा लाइन में, बट मिस कर गए। यादव जी संभाल कर, उम्मीदें जगी हैं स्पिनर्स के लिए। इनसाइड एज, कैरी करियो ड्रॉप कैच, क्या हुआ है, मेरे हाथ, मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे। आई थिंक ड्रॉ आउट, कैच किया है अपने आप ही, मेरे बटन दबाने से पहले ही एआई ने अपने दिमाग से कैरी करवा दिया है। तो शॉक्स, पंत भी शॉक हुए, कैरी कैसे हो गया, राणा तो महाशॉक हो गए यहाँ पे। और देखिए कहाँ जा रहे हैं, पवेलियन जा रहे हैं राणा, बाकी ऋषभ पता नहीं कहाँ जा रहे थे। दिल्ली इज द चैम्पियन लेकिन आंद्रे रसल अभी बाकी हैं दोस्त। सारा गेम स्पिनर्स ने पिछली 9 गेंदों में बिगाड़ दिए, भी आउट। अरे पवेल क्या कर रहा है, गेंद रोक ले एटलीस्ट। रनिंग का बग आ गया क्या, नहीं ये एनिमेशन बग वाला जैसा ही लग रहा है। ये उठा तो लिए गेंद, मैं थ्रो नहीं दे रहा, मुझे करना नहीं चाहिए बट अरे अच्छा अपने आप दे देते हैं थ्रो भाई। सॉरी कुछ रन एक्स्ट्रा दे दिए बट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैं। पर के 10 रन आ गए भाई, संभाल के अब इस बार कैरी करना है पॉवेल भाई। हाँ लग तो राय हो जाएगा, यस रसल भी गॉन। एक्चुअली आई थिंक 11 गेंदों में 4 विकेट खो दिए हैं, जी हाँ 11 गेंदों में 4 विकेट खो दिए हैं कोलकाता ने। अब डेथ ओवर्स में अपने टेल एंडर्स के साथ इन्हें राउंड 12 का रन रेट चेज करना है। ऊपर से यादव ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर यहां पर करेंगे गेंदबाजी और दिल्ली को दिलाना चाहेंगे टाइटल। 13 गेंदों में 32 रन रेट तो काफ़ी बिगड़ गया है, कैरी नहीं होने वाला, सेंटर ऑफ द प्लेयर्स गिरा है, रोकने की उम्मीद है। कामयाब होते हुए 3 तो नहीं रोक पाएंगे हम लोग, दो आया चलो ठीक है। आखिरी 12 गेंदें लेफ्ट हैंडेड नारायण गेंदबाजी में कमाल किए थे बट यहाँ पर गेंदों को बाउंड्री के पार पहुँचाना बहुत मुश्किल होने वाला है। रन आउट, अरे यार तुम बॉलर रनअप लेके करता है, ये रनअप लेकर स्टम्प्स उड़ाते हैं हमारे कीपर साहब, गजब बेइज्जतियाँ। बॉल 3 का रन रेट जा रहा है, मेरी हालत जैसी हो गई। अच्छा वो मैं टॉस हारा यहाँ पे और मेरी बैटिंग आई पहले, सही लग रही है पिच। यहाँ से भी मैच जीत तो सकते हैं बट पीटना पड़ेगा कस के, अभी कनेक्शन नहीं बन रहा, दिक्कत तो ये है। 2 रनों का ओवर, अटैम्प्ट सारी गेंदों पर किए गए खेलने के बट सफलता आई थिंक नहीं मिल पाई। लॉफ्टेड शॉट की एक भी सफलता नहीं। आखिरी गेंद पर 3 रन आ रहा है, लास्ट ओवर में 25 रन रह गए यहाँ पर। नारायण स्ट्राइक पर होंगे, कुलदीप यादव 24 रन डिफेंड करना है, मैच तो जीत गए बाबू हम लोग। पहली गेंद बीट नारायण, इस वक्त तो मैंने जो स्ट्राइकर का रेट है ना 100 कर दिया है उसके बावजूद बीट हो रहे हैं ये। हाँ तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग करता हुआ यहाँ। टीम का कॉन्फिडेंस ग्रीन, दोनों खिलाड़ियों का ऑरेंज, बैटिंग परफॉर्मेंस तो ऑरेंज जैसा भी नहीं है। 2 रन लेंगे और रनआउट भी होंगे। अब तो आउट कर दो, यस 7वां विकेट खोया है। थोड़ा सा अकाल पड़ गया था, विकेट नहीं मिल रहे थे पिछले ओवर्स में बट कमबैक किया है यहाँ पर कुलदीप यादव ने। ललित यादव किफायती रहे थे और उधर कुलदीप यादव महंगे साबित हुए थे और विकेट दोनों के सेम है, लेकिन कुछ प्लस पॉइंट थे कुछ माइनस पॉइंट थे। बट इस वक्त दिल्ली आई थिंक अब फॉर्मेलिटी रह गई है यहाँ पर, बस इंतजार हो रहा है सेलिब्रेशन का। सुनील नारायण भी आउट, मैडन ओवर जा सकती थी, अब नहीं जाएगी बट जा सकती थी, ठीक है। यहाँ पर आखिरी गेंद पर भी रन निकाला है और यहाँ पर हड़कंप मच चुका है, भूकंप मच चुका है क्योंकि ट्रॉफी सेलिब्रेशन यहाँ पर, मतलब दौड़ भाग मच गई है, इंतजार हो रहा है सेलिब्रेशन का। कुलदीप यादव एक और गेंद डालना चाहते हैं भाई, उनको मालूम है वो जीत गए, मस्ती कर रहे हैं। और ये आता हुआ हमारा ट्रॉफी सेलिब्रेशन, दिल्ली इज द चैंपियन, दिल्ली
कैपिटल्स यहाँ पे चैंपियन बनता हुआ। आपकी क्या सोच है भाई कि अगर दिल्ली कैपिटल्स चैंपियन बनता, अब रियल में तो मुझे भी नहीं मालूम कि कौन चैंपियन बनाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग के वक्त अभी 7 घंटे बाकी है मैच चालू होने में, तो बाकी चीज़ें तो गैस करना बहुत मुश्किल है। ललित यादव मेरे दो मैच बनते हुए एज एक्सपेक्टेड भाई, और इसी के साथ हमारा IPL 2022 के प्रेडिक्शन सीरीज और रियल IPL भी समाप्त होता हुआ चैनल पे। आने वाले वक्त पे वीडियोस आएंगे, डेफिनेटली इन टीमों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिफिकल्टी में, गेम प्ले में, प्लेयर्स में, वो सब आपको देखने को मिलेगा। बट दिस इज़ द लास्ट वीडियो IPL 2022 से रिलेटेड डायरेक्ट। अब 23 में मुलाकात होगी प्रेडिक्शन वीडियोस में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइक गोल मैं फिर से बता दूँ 1500 का है, नहीं किया है तो कर देना। बाकी 3 बजे आई थिंक अगर लाइव स्ट्रीम है तो मुलाकात होगी 3 बजे, कोई वीडियोज़ हैं तो वहाँ पर मुलाकात होगी, बाकी वीडियोज़ चैनल पर तो मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, टाटा, गुड डे।